मेरे साथ कुछ कांड ना ऐसा हो ही नहीं सकता। आज बहुत ही गंदा हो रहा है मेरे साथ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई बी रियली हैप्पी इफ यू टेक ए मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अच्छा ठीक है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, आपको तो टाइटल से पता चल गया होगा। नहीं बट या मैं अभी सुबह उठी हूँ एंड आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ टू ईट ओनली येलो फूड फॉर लेजिट 24 आवर्स। यू गाइस मतलब मैं पूरा दिन बस येलो फूड खाऊंगी। ओ माई गॉड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। अच्छा लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड सॉरी आपको आवाज आ रहा होगा, बहुत ज्यादा ही शोर करते हैं मेरे मोहल्ले वाले, बट इग्नोर दैट। दिस इज गोइंग टू बी फन तो आएगा, पर ये दिक्कत है कि मैंने ये आइडिया सुबह सोचा, मतलब अभी मैं उठ के ये आइडिया सोचा है, पर अभी ये देखना है कि घर में क्या चीज अवेलेबल है येल्लो में, क्योंकि अगर मैं पहले से सोचती तो आई वुड हैव प्रेप अप सम थिंग्स, बट अभी देयर इज नो चांस बिकॉज मैं ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो देखते हैं हाउ आई विल मैनेज विद द थिंग्स आई हैव। येल्लो इज अ बेसिक फूड कलर गाइस, हम लोग इंडियन स्पाइसेस में लाइक हल्दी इज द मेन इंग्रेडिएंट इन आवर फूड्स लाइक इंडियन फूड। सो दैट्स ए वेरी ग्रेट पॉइंट बिकॉज हम लोग हर चीज में अलग अलग स्पाइसेस डाल देते हैं एंड वी इंडियन लव स्पाइसेस एंड ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी ईजी। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ईजी बिकॉज आई थिंक मुझे हर मील में येल्लो फूड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि येल्लो बेसिक कलर है। लाइक अगर ये वीडियो अच्छा गया सो आई विल मेक श्योर I'll come with another challenge video where I'll be eating only black food for legit 24 hours. Oh my god. Let's start the day. Let's go. Guys, बहुत गर्मी हो रहा है क्योंकि फैन बंद है। आपको देख रहा है मेरा पसीना भी छूट रहा है क्योंकि फैन बंद है, क्योंकि अगर फैन चालू रहेगा तो आपको अच्छे से आवाज नहीं आएगा। देख रहे हो डेडिकेशन, देख रहे हो? नहीं छोड़ो, तुम लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो चैनल को, पर मेहनत तो मैं करूंगी ही, मेरा काम ही है मेहनत करना। एनीवे तो बहुत पकाती हूँ गाइस, बात तो सही है। प्लीज बेयर विद मी एंड नाउ एक्चुअली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई स्टार्ट माय डे विथ ल्यूक वार्म वाटर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन इट एंड थैंक गॉड लेमन येल्लो इन कलर है। लाइक लेमनिश येलो इन कलर है। एनी वेज गाइज, मैं सब येलो खाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब मेरे लिए येलो ही है आज के दिन के लिए। कुछ अच्छा पेल येलो, लाइट येलो, ग्रीनिश येलो, ये सब मैं नहीं देखने वाली हूँ। मैं सब येलो खाऊंगी क्योंकि ये वीडियो में सब येलो खा सकते हैं। एनी विच वेज थैंक गॉड, क्योंकि थैंक गॉड लेमन येलो इन कलर है बिकॉज आई कैन नॉट डू विथ माई डिटॉक्स वाटर। मुझे मेरा डिटॉक्स वाटर चाहिए ही चाहिए होता है, मैं बाहर नहीं पी पाती हूँ। सो आई मेक श्योर मैं जब तक घर में हूँ आई हैव माई डिटॉक्स वाटर एवरी डे। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। एंड सो अभी गाय से वीडियो बनाते बनाते 10 बज गया है। आई वॉज सपोज टू ड्रिंक दैट एट 8 o'clock, लाइक सुबह सुबह पीते हैं तभी उसका इफेक्ट आता है, पर एनी विच वेज आई विल ड्रिंक इट नाउ। सो चलो बनाते हैं। मैंने बाल ऊपर कर दिया गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, सो मेरे बाल फिर से ऑयली हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पसीने की वजह से फिर से ऑयली हो जाएंगे, सो मैंने उसको ऊपर कर दिया। सो आई गॉट माई ल्यूक वॉर्म वाटर
ज्यादा गर्म नहीं है, मैं हाफ लेमन ही स्क्यूज करूंगी इसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। आई डोंट ऐड हनी गाइस, मैं पहले हनी ऐड करती थी पर अच्छे से मैंने ये कर दिया है, बहुत ज्यादा खट्टा हो गया होगा क्योंकि बड़ा लेमन था। मैं इसको फिनिश करती हूँ। एंड अनदर थिंग इज गाइस, मैं जब भी अपना वार्म वाटर या लेती हूँ कुछ भी, मैं सुबह उठते क्योंकि ये मैं 8 बजे लेती हूँ, आज मेरा वीडियो बनाते बनाते 10 बज रहा है, तो मैं जब भी मैं सुबह उठते ही हनुमान चालीसा सुनती हूँ। मेरा मतलब आई स्टार्ट माई डे विद दैट क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत प्योर फीलिंग्स आता है, लाइक फिर डे अच्छा जाता है। आई फील, मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैं जब भी हनुमान चालीसा सुनती हूँ मुझे बहुत ही गुड वाइब आता है, लाइक इट गिव्स मी सच गुड वाइब्स एंड प्योर एनर्जी। सो मैं अभी वही करूँगी, अभी मैं हनुमान चालीसा सुनते सुनते इसको पीऊँगी, फिर आपको मिलती हूँ, फिर नेक्स्ट क्या खाते हैं सब आपको बताऊँगी। सो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। मेरे साथ कुछ कांड ना ऐसे हो ही नहीं सकता। बात तो सही है। मैं अपने ऊपर पानी डाल दी गाइस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे बस कर जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी बोल ले। पड़ेगा क्या करूँ, चेंज करूँ या ना करूँ या ना करूँ, करना तो पड़ेगा, ऐसे तो आपके सामने नहीं दिख सकती ना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, अभी के लिए मैंने चेंज कर लिया है, अभी जैसे भी मुझे नहाना है फिर जैसे भी चेंज करना है तो अभी मैंने ये पहन लिया। हाँ, मेन पॉइंट में आता है। सो अभी लेमन वाटर पी के मुझे 1 आवर हो गया है, देन अभी मैं पीऊंगी अपना चाय जो मुझे पीना था सुबह सुबह। मेरे मुंह में देख नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अभी भी नींद में हूँ, इसलिए सारा गड़बड़ हो रहा है, मेरे से पानी गिर गया है, वो गिर गया, क्योंकि मैं बहुत, मुझे सुबह उठते से ही मुझे चाय चाहिए। अच्छा, क्योंकि आई कैन नॉट डू विदाउट माई टी, मैं चार्जअप ही नहीं हो पाऊंगी, मेरा सुबह ही स्टार्ट नहीं होता है, मुझे चाय जैसे भी चाहिए, मैं जहाँ भी हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हूँ गाइस एंड इट्स नॉट गुड थिंग। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल हो ही नहीं पाता है मेरे से गाइस, यही डिस्क्लेमर है। बट लेट्स मेक माय कप ऑफ टी नाउ। मैं भाई यार, मैं जब भी मैं खाना मेरे कप ही टूट गया है, आज बहुत ही गंदा हो रहा है मेरे साथ। एंड फॉर ए चेंज गाइस, मैं खा रही हूँ बिस्किट जो कि है येलो कलर में। ओह माय गॉड, मुझे मिल गया, घर में था ये बिस्किट, घर में नहीं खाते हैं पर कैसे नहीं पता मिल गया है, ये खुला भी है ऑलरेडी, कोई तो खाया है इसमें से, बट I'll eat some of this. मैं चाय के साथ बिस्किट्स खाती हूँ पर ये शायद नमकीन है, ये चस्का मुस्का है, मैं ऐसे वाला बिस्किट चाय के साथ नहीं खाती हूँ। I don't prefer eating this kind of biscuits with my tea. But for a change, I will eat this because ये yellow in color है, ये already खुला है guys. अच्छा है पर चाय के साथ अच्छा लगेगा कि नहीं वो नहीं पता, बट लेट्स ट्राई। अच्छा हो रहा है, गुड गुड। एंड फॉर ब्रेकफास्ट मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, क्योंकि यही एलो इन कलर है, ऑलरेडी यूज है, हमारे घर में सब यूज चीजें मिल रही है। मैं बोली ना जो अवेलेबल होगा मैं उसी से काम चला लूंगी। एंड आई कुड ऑल्सो मेक पोहा, बट पोहा में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है।
मैगी बन चुकी है गाइस, लेट्स ट्राई। मैगी जैसे भी बना लो गाइस, अच्छा ही होता है, नो डाउट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। देन मैं इसको एंजॉय करती हूँ, फिर देखते हैं लंच क्या बनाना है। लंच के टाइम पे आपसे मिलते हैं, लेट मी एंजॉय दिस। आई गॉट रेडी टू दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। मैंने ये एक सुंदर सा ब्यूटीफुल येलो ड्रेस पहना है। Wow! Beautiful! According to my video, I dressed up like a mango. मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। ये एक्को कार्ड की प्रॉब्लम है। आपको मेरा आवाज आ रहा होगा। बहुत स्ट्रगल है गाइस, अनन्या पांडे से ज्यादा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इधर। एक वीडियो फिल्म करने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ रहा है। कभी एक्वागर्ड का साउंड, लोगों के वीडियो में प्रॉब्लम आते हैं, लाइक फैंसी फैंसी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम, नहीं तो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। एंड मेरे वीडियो में प्रॉब्लम आते हैं कौवा, एक्वागर्ड कंट्रोल छोड़, क्या ही कर सकते हैं गाइस। लाइफ हो तो मेरी जैसे एकदम पांडू लाइफ हो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, अभी बज रहा है 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच के लिए लेमन राइस। यस गाइस, मुझे लेमन राइस बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही बहुत पसंद करती हूँ लेमन राइस, एंड स्पेशली मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, एंड मैं उनका रेसिपी ही अभी फोन करके पूछूंगी एंड उनके रेसिपी की तरह ही बनाऊंगी। वही बनाएंगे लेमन राइस फॉर लंच, एंड लेट्स गो मेक इट। सो लंच इज रेडी गाइस, मैंने बनाया है लेमन राइस जो कि मेरा फेवरेट है, मम्मी का हाथ का फेवरेट है। ये तो मैंने बनाया है, देखते हैं ये कैसा टेस्ट करता है। दिख अच्छा रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है ये, पर टेस्ट कैसा कर रहा होगा मुझे नहीं पता। एंड मैंने थोड़ा जला भी दिया है। हाँ गाइस, वीडियो बनाते बनाते जला भी दिया है, बट एनी विच वेज पहले इसको खाते हैं, फिर आई टेल यू कि मैंने कैसा बनाया है। थोड़ा तीखा बन गया है, मैं और मेरे पापा बिल्कुल तीखा नहीं खा पाते घर में, बाकी मेरे घर में सारे लोग खा लेते हैं। अनदर थिंग गाइस, आप लोग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? मैं हर चीज में जीरा डाल देती हूँ। मुझे जीरा इतना पसंद है कि पूछो ही। ठीक है, सब चीज में जीरा डाल देती हूँ क्योंकि आई लव जीरा गाइस। मुझे नहीं पता, वो एनहांस कर देता है और टेस्ट को बहुत देना है। हाँ क्या बोल रही थी मैं, हाँ एक TMI देना चाहती हूँ गाइस, मैं मैगी में भी जीरा डालती हूँ, प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस, बट जो है वो है, मुझे पसंद है, क्या करूँ, मैं डाल देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, आप भी ट्राई करना। लंच डन हो चुका है, यू वोंट बिलीव, बहुत ज्यादा तीखा बना था, बहुत ही ज्यादा। हमारे घर में सबका आदत है कि हम लोग आफ्टर लंच डेजर्ट खाते हैं, ठीक है बट मुझे बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा तीखा बन गया था। तो मेरे पास है ये जेम्स, देखते हैं इसमें आप सबको तो पता ही है मेरा तो पांडू किस्मत है जो कि बिल्कुल साथ मेरा नहीं देता है। बात तो सही है। अभी देखते हैं इसमें से कितना येलो निकलेगा, क्योंकि मैं तो और बाकी चीज बाकी कलर नहीं खा सकती हूँ। भगवान, बस एक तो निकल जाए, एक दो तो निकलना ही चाहिए। एक पैकेट में दो मिला है तो मैं इसी दोनों को लेती हूँ। अभी दूसरा पैकेट निकालता है, एक में तो दो निकला है, अभी दूसरा निकालता है, इसमें से कितना निकलेगा, एक भी नहीं है। दूसरे पैकेट में एक भी येलो कलर नहीं है,
भी येलो है अब मेरे पास। ये दोनों मेरे लिए डेजर्ट्स हैं, जो कि मेरा तीखापन खत्म ही होगा। बस देख रहे वैसे येलो है, मुझे इतना तीखा लग रहा है। एक चीटिंग कर लूँ क्या? चीटिंग करता है तो एक खा लूँ क्या? खा लूँ क्या? खैर छोड़ो, आप लोग भी क्या याद रखोगे, मैं चीटिंग नहीं करती हूँ गाइस। मेरा तीखापन खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे अभी भी बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है। तो वो दो जेम से तो मेरा तीखापन नहीं जाने वाला है। सो घर में केला था, केला तो बनाना तो येलो ही कलर होता है गाइस, तो इसको मैं अभी खा लू। तो हेलो गाइस, अभी 7 बज रहे हैं एंड मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो मुझे ऐसे शाम को चटरपटर खाने का बहुत मन करता है, तो मैंने कुछ चिप्स मंगाया है। मैंने पापा को बोला था कि येलो वाला लाने के, तो पहले वो ये लाए थे। ये है लेस का वेफर स्टाइल सिंपली सॉल्टेड। ये भी येलो इन कलर ही है, पर मुझे ये वाला चाहिए था। ये है क्लासिक सॉल्टेड एज इट इज, आप लोग को तो पता ही होगा, ये बहुत कॉमन है। मैं सोच रही हूँ मैं दोनों ही खाऊं, ठीक है? ये भी येलो है और ये भी येलो है, तो मैं दोनों खाऊं। ये तो अंकल चिप्स की तरह है। ये सिकुड़ गया है गाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इसका क्रंचीनेस चला गया है, तो इसको मैं नहीं खाऊंगी। जब चिप्स खाते हो तो उसका क्रिस्पीनेस तो होना, वो साउंड तो आना ही है। और ये खाना, येलो इन कलर है गाइस, देख लो। फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलता है, देखते हैं रात को मैं क्या खाऊंगी। अभी तक इसको मिल गया। हाँ, तो अभी डिनर के लिए मेरे को येलो खाना है, मतलब एज माय चैलेंज सेज कि मुझे येलो चीज खाना है। तो घर में इडली बना है, जो कि मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो व्हाइट इन कलर है, तो मैं उसको ही एक अच्छा सा मतलब तड़का लगाऊंगी, थोड़ा हल्दी ऐड करूंगी फॉर दैट येलो कलर। एंड डिनर सॉर्टेड है, पर मुझे इडली और सांभर भी खाना है, जो कि मैं नहीं खा पाऊंगी एनी विच वेज, सो लेट्स मेक इट नाउ। सो इट्स डन गाइस, बिल्कुल ये येलो है गाइस, देख लो आप। बहुत ही अच्छा है गाइस, थोड़ा क्रिस्पी है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर भी दे रहा है। इट्स अ हिट फॉर मी, पर इसके साथ व्हाइट चटनी होता तो और भी अच्छा होता, पर आई कैन नॉट ईट व्हाइट टुडे, सो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। गुड थम्स अप गाइस, आई विल एंजॉय दिस एंड मीट यू आफ्टरवर्ड्स। सो अभी डिनर डन हो चुका है एंड मैंने अपना मेकअप भी उतार लिया, स्किन केयर भी कर लिया है। आफ्टर डिनर तो मुझे कुछ पीने का मन करता ही है। सो आज एज द चैलेंज सेज दैट आई हैव टू ईट और ड्रिंक ओनली येलो फूड, सो येलो में तो और कुछ नहीं है, बस ये एक चीज है आज, इसको मैं पीने वाली हूँ, जो कि फ्रूटी है गाइस। यही तो येलो में मिलता है, मैं आज इसको पी के अपना डे एंड करना चाहती हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर लूंगी एंड
या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया. ऐसे और भी बहुत सारे चैलेंज वीडियोस मैं लाऊंगी. टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस बिकॉज इट इज ऑफ कॉस्ट. मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.